गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बीएड 2 ईयर सेमेस्टर 1 पेपर 4th एंड 5th पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस 3.5 घंटे का पेपर होगा, 3 का नहीं होगा और 35 मार्क्स का होगा, 7-7 मार्क्स के आने हैं, 2 क्रेडिट, 2 घंटे आपकी क्लास लगनी है, सेशनल वर्क जो इंटरनल असेसमेंट है 15 मार्क्स की होगी। तो ये क्वेश्चन डिवाइड करके भी आ सकते हैं, ये बात बता दूं, एक क्वेश्चन है उसका मीनिंग है, स्कोप है, नेचर है, ऐसे 4 से ज़्यादा पार्ट नहीं होंगे, हर पार्ट के आपको नंबर बताए गए होंगे, कितने ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ड इसके साथ जोड़ लो वो ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, ये बात मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ। तो सेक्शन 4 हैं, पहले सेक्शन में इसमें से भी 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 क्वेश्चन में से 1 करना है, 7 मार्क्स का है। हाँ, आप 2 भी कर सकते हो क्योंकि एक सेक्शन में से आपने 2 क्वेश्चन भी करने हैं, 5वां क्वेश्चन किसी भी सेक्शन से करना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंस है, इंडिपेंडेंट ये क्वेश्चन बनता है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मीनिंग है, नेचर है, स्कूप है। पहला नॉर्मली पहला क्वेश्चन इसी में से आ जाता है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये बात करनी है कि फॉर एग्जांपल जो मिडल एज थी, कौन से सोशल साइंस के सब्जेक्ट वहाँ डेवलप हो चुके थे, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी है जहाँ, और जैसे 13 सोशल साइंसेज एनसीटी ने दी हैं, उन्हीं की रेपिटेशन होनी है, आगे चल के डेवलपमेंट कैसे हुई। ऐसे ही यूरोप में क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट में पॉलिटिकल थॉट, ये पॉलिटिकल साइंस आ गई, सोशल साइंस का पार्ट है, एज ऑफ एनलाइटमेंट है। इसके बाद जो 18वीं सदी है, पर्टिकुलरली यहाँ पर रूसो ने साइंटिफिक मेथड की जो एप्लीकेशन और टू स्टडी द सोशल साइंसेज, ऐसी बातें करेंगे। 19वीं सेंचुरी में ऑगस्ट कॉमते, है ना, सोशियोलॉजी को मैक्सिमम साइंटिफिक बनाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन की गई। एडम स्मिथ है, कार्ल मार्क्स है, इनकी थोड़ी थोड़ी, जे एस मिल है, इनकी थोड़ी थोड़ी बात कर सकते हैं कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही होगी। तो जो आपको इनकी फिलॉसफी पता है, नेचुरली कुछ नहीं हुआ, ये आपको सिंपल ये बताऊं कि प्योर जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस को सब्जेक्टिवली जो स्टडी किया जाता था, सब्जेक्टिवली, उसको धीरे धीरे ऑब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली कैसे स्टडी किया जाने लगा, और साइंटिफिक मेथड जो था, किसी भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री आपने पढ़नी हो तो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑफ दैट सब्जेक्ट। धीरे धीरे जैसे समा 18वीं सदी 19वीं सदी 11वीं और कंटेम्प्रेरी, तो ये साइंटिफिक मेथड की एप्लीकेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे ये सिंगल सब्जेक्ट है, सेपरेट है, सेपरेट सब्जेक्ट है, इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इंटरडिसिप्लिनरी मतलब के एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ मर्ज करके तीसरे सब्जेक्ट के साथ, है ना, एक, क्योंकि नॉलेज एक्चुअली हमने जो नॉलेज है वो होल ही थी, हमने पार्ट कर लिए। तो बिहेवियरल रेवोल्यूशन है साइकोलॉजी में, पर्टिकुलरली जो वाटसन और पावलोव ने साइंटिफिक मेथड, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग हम पढ़ेंगे भी, साइंटिफिक मेथड को इतनी रिजिडली अप्लाई किया साइकोलॉजी ने, तो प्योरली साइंटिफिक बिहेवियरिज्म ने मोस्ट साइंटिफिक इसको बनाया। फिर पोस्ट वर्ल्ड वार, ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम, यहाँ पर सारा नहीं पढ़ रहे, आगे चलते हैं। तो मीनिंग है, नेचर है इसका, है ना, नेचर जैसे अभी बात की है, सोशल नेचर है, इंटीग्रेटेड नेचर है, इंटरडिसिप्लिनरी है, है ना, ये बात, साइंटिफिक नेचर है, आर्ट भी है ये, है ना, सोशल साइंस। स्कोप क्या है, स्कोप कुछ नहीं है, सोशल साइंस में जितने सब्जेक्ट है आप उनको भी गिना सकते हो, लेकिन बुक में और तरह भी दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो। डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस, इसका डिफरेंस बड़ा क्लियर इजीली समझा जा सकता है, यहाँ लिख रहा हूँ SS, सोशल साइंस, ये होगी साइंस, यहाँ होगी ST, सोशल स्टडी, है ना। तो ये इसको आप रखना यहाँ पर स्कूल लेवल पर याद रखना, और ये आप चल जाना हायर लेवल पर, हायर लेवल पर, हायर लेवल पर रिसर्च होती है। मैं
जो फंडामेंटल बता रहा हूँ साइंटिफिक मेथड की एप्लीकेशन है, ये सिंगल जो सब्जेक्ट है उसको डीप स्टडी करना है, इसने जो वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है नॉलेज को। तो साइंस के ये साइंस वर्ड से ही है, हायर में होगी रिसर्च होगी, साइंटिफिक मेथड होगा, वेरीफिकेशन होगी, है ना। तो ये नॉर्मली हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में ये वर्ड सोशल साइंस यूज की करेंगे, लेकिन अब यूज भी करने लगे हैं। ये डिफरेंस क्या है, ये सोशल स्टडीज जो है, ये जो मान लीजिए इन्होंने वेरीफाई की नॉलेज, ये वाली वेरीफाई हो गई है, ये टॉपिक ये वेरीफाई थीम वेरीफाई हो गया, जो वेरीफाई हो चुके हैं वो इसको इसमें स्कूल लेवल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल के, सभी नहीं लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लगा दिए, इकोनॉमिक्स के लगा दिए, और उसके बाद आपने जो पॉलिटिकल साइंस के लगा दिए, ज्योग्राफी के लगा दिए, तो ये इंटर रिलेटेड चार सब्जेक्ट जो हैं स्कूल लेवल पर, यहाँ इंटीग्रेटेड अप्रोच है, यहाँ पर सेपरेट अप्रोच है, ये स्कूल लेवल पर है, ये हायर लेवल पर है, ऐसे डिफरेंस करेंगे। तो इसको हमने, इसका पर्पस क्या होगा कि अच्छे सिविक्स जो सिटीजन बनाने हैं वो होंगे, उसका पर्पस क्या है, नॉलेज को जनरेट करना, ऐसे डिफरेंस हम करेंगे। वैल्यूज इन टीचिंग सोशल साइंस, वो जो महत्व होगा, नीड ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, है ना, एट स्कूल लेवल, तो वही आएंगे, आपको अच्छे नागरिक बनाना है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, सोशल डेवलपमेंट करनी है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, आपके सोशल स्किल्स को डेवलप करना है, ऐसी बातें आएंगी, वही इधर थोड़ी रिपीट हो जाएंगी। कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद, यहाँ पर आप सोशल साइंस यूज कर रहे हैं तो बाद में सेम ही यूज कर रहे हैं सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट जो है ना वो अलग नहीं रह सकता। अब सोशल साइंस में मान लीजिए रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, तो वहाँ मैथ अप्लाई होगा ना, मैथ, है ना। अच्छा, ज्योग्राफी है सोशल साइंस, तो उसमें तो ज्योग्राफी में मैथमेटिकल चीज़ कितनी ज़्यादा अप्लाई होती है। दूसरा कि मैथ, क्या मैथ की आप कैलकुलेशन अकेले कर सकते हो, वो जाके कहाँ यूज़ करोगे, मार्केट में, मार्केट क्या है, फिर सोशल साइंस आ गई। तो ऐसे इंटर रिलेशंस हैं इसके, ऐसे ही सोशल साइंस और साइंस का क्या रिलेशन है, तो सोशल और साइंस, ये साइंस, साइंस सबसे बड़ा साइंटिफिक मेथड जो दिया है, रिसर्च दी है, वो साइंस ने ही दिया है, सिस्टमेटिकली कैसे स्टडी करना है, ऑब्जेक्टिवली कैसे स्टडी करना है, नॉलेज को कैसे जनरेट करना है, अनबायस नॉलेज कैसे निकालनी, ये सारे पॉइंट बन जाएंगे। सो ये इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर है। अच्छा, सोशल स्टडी का साइंस पे क्या इफेक्ट या रिलेशन है, तो साइंस भी सेपरेट नहीं रह सकती, बेशक हथियार है वो भी समाज में यूज हो रहे हैं, ये फैन है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, कैमरा है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कौन यूज कर रहा है, सोशल यूज हो रहा है उसका, है ना। लैंग्वेज, लैंग्वेज तो ये सिंपल बात है, जब भी बात सोशल आती है ऐसे हम लिखते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं, अच्छा हो जाएगा। अब सोशल जब भी वर्ड यूज़ करते हो तो कम से कम दो जनों की इमेज आपके सामने बनती है, वो दो जने आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कैसे करेंगे, लैंग्वेज में बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो कम्युनिकेशन ये सोशल स्टडी हो गई, है ना, सोशल इंटरेक्शन लैंग्वेज के बिना कैसे हो सकती है। वैसे भी आपने फॉर्मल स्टडी करनी है, आपने रिसर्च करनी है, तो रिपोर्ट लैंग्वेज में ही लिखोगे ना, तो रिसर्च डाटा कलेक्शन सारा लैंग्वेज में बात होगी। तो ऐसे ही आर्ट के साथ इसका संबंध देखेंगे, एस्थेटिक के। अब देखो सोशल साइंस के वो जो बुद्ध के टाइम की, उसके बाद पाली वो शिलालेख मिलते हैं, हमारी जो अजंता अलोरा, वो आर्ट वर्क है सारा, तो आर्ट वर्क बता क्या कर रही है, ज्योग्राफी भी है उसमें, हिस्ट्री भी है, तो ये रिलेशन है सारे। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है सी, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस आर डिफरेंट स्टेज, दो स्टेजेस हैं, मिडिल में आ गई आपकी 8th क्लास तक, है ना, और ये आ गई सेकेंडरी 10th क्लास तक, जहाँ आपकी 12वीं तक, है ना, वैसे ये 10th तक होगी, तो मिडिल में थोड़े से इजी वाले एम होंगे, यहाँ पर डिफिकल्ट होंगे, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रिसर्च लाइक एटीट्यूड डेवलप करना, समाज के प्रति क्रिटिकल थिंकिंग, वो जो ऊपर महत्वपूर्ण महत्व वाली बातें करके आए ना, वही एम लगभग बन जाएंगे। तो उनको सोशल एक्सपोजर देना है, सोशल स्किल डेवलप करनी है, सिटीजन अच्छे बनाना है ना, ये ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे उनको
सोशल लाइफ से इंट्रोड्यूस कराना है। हाँ, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ये हो सकता है आपका इसका पेडागोजिकल अप्रोचेज, चार है, इंटरडिसिप्लिनरी, एक्सपीरियंशियल, कोऑपरेटिव, यहाँ कोऑपरेटिव है, ये कोऑपरेटिव है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ये मैं बता दूं कि ये सारी अप्रोचेज जो हैं, दो अप्रोचेज हैं, एक ही है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, है ना, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म का, तो कंस्ट्रक्टिविज्म का ही पार्ट कोऑपरेटिव है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट कोऑपरेटिव लर्निंग है, और उसी का पार्ट जो इंटीग्रेट करना है, वो कहते हैं सब्जेक्ट जो इसको अलग अलग मत रहो, इसको आपस में जोड़ के समझाओ, तीन सब्जेक्ट हैं उसको आपस में जोड़ के समझाओ, एक ही बना लो, तो ये वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गई, ये भी कंस्ट्रक्टिविज्म का ही पार्ट है। तीसरा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो एक्सपीरियंस देना है, रिफ्लेक्ट कराना है, अभी ब्रीफ में बता भी देता हूँ, तो ये भी कंस्ट्रक्टिविज्म का ही पार्ट है। चौथी क्या है हमारे पास, एक्सपीरियंशियल, कोऑपरेटिव, कंस्ट्रक्टिविज, ये चारों हैं, ये चारों एक्चुअली इसी का ही पार्ट है। ये किसकी एप्लीकेशन होगी, जीन प्याजे की एप्लीकेशन होगी, कॉब का मॉडल है, KOLB कॉब का मॉडल, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का चार फेजेस हैं, वो लर्न करेंगे। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म प्योर है, प्याजे और ब्रूनर आ गया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, वाइगोत्स्की और जॉन डीवी आ गया, है ना, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो करिकुलम की अप्रोच है एक तरह से, तो ये लर्न करेंगे। पर ब्रीफ में समझते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है। डिसिप्लिन जब जो हायर लेवल पर हैं, पीछे बात करके हैं सोशल साइंस और सोशल स्टडी की, सोशल स्टडी में सब्जेक्ट, स्कूल लेवल पर सब्जेक्ट वर्ड यूज होता है, और जब आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हो डिसिप्लिन, ज्योग्राफी वहाँ डिसिप्लिन है, क्योंकि ज्योग्राफी में डीप रिसर्च होती है, नॉलेज जनरेशन होती है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स वहाँ डिसिप्लिन है, इकोलॉजी डिसिप्लिन है, है ना, बायोलॉजी डिसिप्लिन है, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, ये सारे डिसिप्लिन है, वहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड है, है ना, नॉलेज जनरेशन बेस्ड। तो जब ये सेपरेट हैं तो ये डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जब इनको सभी को इकट्ठे किसी थीम को समझने के लिए, किसी थीम को समझने के लिए इकट्ठों को यूज़ किया जाता है, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाती है। इसकी आगे डिवीज़न भी है, फॉर एग्जांपल आप एक कंसेप्ट टीच करना चाहते हो एनवायरनमेंट का, पोल्यूशन ही आप ले लो, पोल्यूशन को टीच करने के लिए आप क्या जियोलॉजी के टीचर को बुला सकते हो अपनी क्लास में, इकोनॉमिक्स के टीचर को, हिस्ट्री के टीचर को, है ना, हिस्ट्री भी जहाँ लिख दूँ, हिस्ट्री के टीचर को कि पोल्यूशन की हिस्ट्री क्या है, हमारा इकोनॉमी कैसे उससे इफेक्ट हो रही है, हमारी ज्योग्राफी कैसे इफेक्ट हो रही है, अच्छा हमारा जो केमिकल्स जो क्या हैं हवा में आ रहे हैं, केमिस्ट्री वाला टीचर आके बताएगा, पॉलिटिकल साइंस क्या लॉ बन रहे हैं इसके ऊपर। तो ये एक ही थीम को डिफरेंट सब्जेक्ट्स से फोकस करना, ये सिर्फ एक एग्जांपल है इंटरडिसिप्लिनरी की, करना कुछ नहीं है कि सभी जो डिसिप्लिन्स की नॉलेज है उनको यूज़ करना है। उन यहाँ पर मैंने टीचर की एग्जांपल दे दी, एक बच्चे को आप असाइनमेंट दे सकते हो कि यही पोल्यूशन की बात करके कि ये इसके चार पर्सपेक्टिव से देखो इसको, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इसको एक्सप्लेन करके ले आओ, तो ये भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होगी। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके में डिफरेंस भी हैं। अच्छा, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में लर्निंग बाय डूइंग का ये बेस्ट मॉडल है, कॉब का मॉडल है, चार स्टेप है। सबसे पहले एक्सपीरियंस देते हैं, बच्चा साइकिल चलाता है, बुक पढ़ता है, बॉल से खेलता है, एक्सपीरियंस है, है ना, तो यहाँ फील किया उसने, कंक्रीट एक्सपीरियंस है, यहाँ फीलिंग हुई है, हाय मुझे आज बहुत अच्छा लगा, आज मैंने ये किया, है ना, इंजॉय है, तो ये दिल के लेवल पर यहाँ पर शुरुआत हो गई। तो उसके बाद जब वो एक्सपीरियंस हुआ, मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या अच्छा किया, आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हो, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, देन आप जो आप लर्न किया है, आपने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन बना ली, आपके निचोड़ क्या है, कंक्लूजन क्या है, या जब मैं बॉल ऐसे फेंकता हूँ ना तो बहुत अच्छी जितनी दूर मैं जंप चाहता हूँ उतना जंप मिल जाता है, ऐसे कुछ भी कंक्लूजन आपने, जब मैं साइकिल को टेढ़ा रखता हूँ और आगे वाली ब्रेक मारता हूँ तो मैं गिरता हूँ, तो ये आपके ऐसे कंक्लूजन है। तो ये कंक्लूजन निकालने के बाद आप नेक्स्ट जब आपका आता है आप एक्सपेरिमेंट उसको टेस्ट करते हो एक्टिवली टेस्ट करके फिर आप उसको एक्सपीरियंस को रिपीट करते हो, तो ये साइकिल चलता है, ऐसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग, आपने करना है,
तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट है। जब रिफ्लेक्शन आती है इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन से आप नॉलेज जनरेट करते हो। कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग को समझना है तो कुछ नहीं है, टीचर कुछ आपको कुछ भी टीच करना चाहता है उसका मटीरियल उन्होंने बनाया है, उन्होंने आपको 3-4-5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ग्रुप में बच्चे जो है डिफरेंट एज भी डिफरेंस हो सकती है, जेंडर भी डिफरेंट हो सकता है, आईक्यू भी डिफरेंस, अचीवमेंट भी डिफरेंट हो सकती है, हेट्रो टीईटी में पढ़ेंगे, हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाएंगे। तो उनको वो लर्निंग मटेरियल दे दिया तो वो डिस्कस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। टीचर जो है कभी इनको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, गाइड कर रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है, कभी इनको गाइड कर रहा है, इस ग्रुप को, कभी इस ग्रुप को गाइड कर रहा है ना। तो जब ये ग्रुप लर्न कर लेते हैं, ये प्रेजेंटेशन देते हैं, जो इन्होंने लर्न किया ये प्रेजेंटेशन दी, तो ये इनसे सीख रहे हैं, अब ये इनसे सीख रहे हैं, 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 एक दूसरे से सीख रहे हैं। ये है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसके बड़े फायदे हैं सच में। टीईटी में एक ही आंसर सही होता है, वो क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का, जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, ग्रुप लर्निंग है, इंटरेक्शन वाली लर्निंग है, यो बेस्ट आंसर होता है, सही होता है। तो बच्चे जैसे एग्जांपल है, कुछ ड्रा कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है ये बता रहे हैं यहाँ गलत कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा, ये पूछते हैं यार इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये कहते हैं ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे शेयर थिंकिंग होती है, फीलिंग भी और आइडियाज़ भी शेयर होते हैं। वापस चलते हैं, ये अप्रोचें हमारी हो गई। नेक्स्ट है डी सेक्शन, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं आज जो घटना हुई, आज की अखबार ही है, एक महीना जो इशू में है, जो बहुत ज़्यादा चल रही है ना, चंद्रयान की बात जैसे है इंडिया में कर सकते हैं, ऐसे इशू को उठा के आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, टॉपिक पढ़ाना है, तो वो उन एग्जाम्पल को लेके आप न्यूज़पेपर को लेके आओ, आप मोबाइल को क्लास में लेके न्यूज़ जो करंट चल रहा है इशू, इंपॉर्टेंट इशू, ऐसी नहीं जो यूट्यूब पर चल रही है, थोड़े कपड़े कम डाल के और वो मिलियन व्यू कर लेने, ऐसी कोई घटना नहीं देखनी। जैसे पीछे जलंधर में जो घटना है, वेरी मतलब लोगों के लिए शर्म की बात है कि किसी की पर्सनल लाइफ है, फंडामेंटल राइट है, आप उसमें घुस रहे हो, उसको वायलेट कर रहे हो, मतलब फ्रीडम है ही नहीं इंडिया में, कहीं जी ही नहीं सकते हम, मतलब चलो मेरा तो जी कर रहा था कि उस पर पूरा मतलब उसके मिलियनर व्यू क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इंस्टिंक्ट है अपनी, आप अपने एनिमल को नहीं देख रहे, आप किसी की सोशल लाइफ पर्सनल लाइफ से अपनी एनिमल की इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई कर रहे हो, क्या बात है। आप अपने अपनी पर्सनल लाइफ को यूज़ करो। खैर, तो करंट अफेयर्स जो सोशल इशू हैं, जो अच्छा इसको बात को कभी मतलब मैं क्लास में हूँगा तो मैं 100%, क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज करना ज़रूरी है। पता नहीं आप उस घटना को कैसे देख रहे होंगे, वेरी बैड यार, मतलब हमें जीना नहीं आया, हमारी एनर्जी कितनी डाउन है ये पता चल रहा है। तो कोई अच्छा सोशल इशू होगा उसको पता नहीं क्यों नहीं अटेंड करते। अच्छा, करंट अफेयर्स इन सोशल साइंस, तो वो कोई भी घटना ऐसे है उसको यूटिलाइज करना है, तो कैसे कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, ये मीडिया को सीधा यूज़ कर सकते हैं। सोशल क्लास, सोशल रूम है, वहाँ पर सोशल साइंस को टीच करने के लिए मॉडल, चार्ट्स, ऑडियो विजुअल एड, ग्लोब है ना, मैप्स, वो सब कुछ पड़ा होगा, इक्विपमेंट्स ये सारे होंगे। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सोशल स्टडी बड़े अच्छे ढंग से टीच की जा सकती है, बच्चे एनवायरनमेंट सोशल साइंस का बन जाता है, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, या सिविक्स के हैं, हिस्ट्री के हैं, सारे ऐसे पढ़े होते हैं। लेकिन ये हमारी कल्पना है, इंडिया में पता नहीं कैसे ऐसे रूम अच्छे बन पाएंगे जैसे हमारे इमेज में दिखते हैं। तो ये आपका हो गया सिलेबस। तो इस मिस्टर वन का ये सेशनल वर्क है, परफॉर्मेंस इन यूनिट टेस्ट एंड हाउस एग्जामिनेशन 5, अटेंडेंस 2 मार्क्स, असाइनमेंट ऑन फॉलोइंग 8 मार्क्स, और मेंटेनेंस ऑफ स्क्रैप बुक शोइंग अ मेजर पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ये असाइनमेंट है। ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग डिस्कशन डिबेट सेमिनार ऑन प्रेजेंट ए प्रॉब्लम इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये बुक्स हैं, बुक्स तो मेरी आपके पास होगी ही, SG पब्लिशर्स की बुक है, नॉर्मली वही चल रही है।
आपको कोई भी पसंद हो आप देख सकते हो, लेकिन मैं अपनी बुक में से ही करवाऊंगा। तो इसका जो पेपर है वो भी देख लेना चाहिए आपको। पेपर थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे टेढ़े में आपको तो मोबाइल को घुमा लोगे। अच्छा, ये 7 2 में से 35 मार्क्स का है, 2 में से 1 करना है 7 7 7 के हो गए, है ना। तो पांचवा क्वेश्चन आपने चारों यूनिट में से एक करना है, मतलब एक यूनिट में से आप 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो। फर्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस, सिंपल है। डिफरेंस है सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस, सिंपल है। सिग्निफिकेंस एंड टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इन स्कूल करिकुलम फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी नहीं किया, वैसे चक्के रख दिए हैं, उठा के रख दिए हैं। अच्छा, 7 है, ये 3 डाले हैं, 1 2 3, ये नहीं, ये वाला चलो 3 और 4 ये इकट्ठे किए हैं, पार्ट में है डाला, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पर डिफरेंस भी है, मीनिंग भी है, स्कोप भी है। जैसे वो कहा था कि 4 पार्ट आ सकते हैं। सेक्शन बी में है स्पेशल वैल्यू दैट आर प्रोवाइडेड बाय सोशल साइंस, ये वैल्यूज ऑफ सोशल साइंस आ गई। डिस्कस हाउ सोशल साइंस रिलेटेड विद स्कूल सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस, बड़े बुक में बड़े पॉइंट बनाए हैं मैंने, तो वही यहाँ पर लर्न करेंगे। पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, ये कैसे जाना है आगे, ये ऐसे जाएंगे मेरे ख्याल में। पंजाबी विच है, हिंदी विच है, वर्जन देख सकते हो। सी सेक्शन है वट इज़ एन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, है ना। वाई दे आर नेसेसरी फॉर टीचिंग सोशल साइंस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग अप्रोचेज, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, एक्सपीरियंशियल अप्रोच, हाई रब्बा, ये तो बहुत डिटेल में होता है। डी सेक्शन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजिंग करंट अफेयर इन टीचिंग सोशल साइंस। नेक्स्ट है व्हाट इज दे आर द इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर सोशल स्टडीज रूम, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, पंजाबी विच भी ये नाल नाल दिता है, तो देख सकते हो, पढ़ सकते हो मेरे ख्याल। समाजिक ये है ना, ये भी है पंजाबी विच, ये है उद्देश्य की है, समाजिक विज्ञान पढ़ाने विच क्यों जरूरी है, इटली के विच पहुंचा दे, लघु नोट लिखो, अंतर अनुशासनी अनुभवी समाजिक विज्ञान दे अध्यापक विच वर्तमान घटनावां दी वरतों करन दे महत्व नूं समझाओ, समाजिक अध्ययन रूम लई लोड़ींदे साजो समान यंत्र अते समग्री की हुंदे हन। पंजाबी विच मैं पढ़दा विचार कहिंदे कि नहीं तुसीं कुछ भी इहदे विच बोलदे, मैं समाजिक विज्ञान दे अर्थ अते दायरे दी व्याख्या करो, समाजिक अध्ययन ते समाजिक विज्ञान विच अंतर करो। एक क्वेश्चन है विद्यार्थियों सर्वपक्षी विकास लई स्कूली पाठक्रम विच, स्कूली पाठक्रम इस नूं वड्डा यार कर लोगे, ओपी कर लियो, इत्थे रहन दिंदे आ। स्कूली पाठक्रम विच समाजिक विज्ञान नूं पढ़ाउण दी महत्ता ते चर्चा करो, समाजिक विज्ञान द्वारा प्रदान कीते गए विषय मुल्लां दी चर्चा करो, चर्चा करो कि समाजिक विज्ञान स्कूल दे दूजे विषयां जिवें कि गणित ते विज्ञान नाल किवें संबंधित है। सो ये क्वेश्चन ने पंजवां क्वेश्चन तुसीं इहनां चों इक करना हुंदा है। दैट्स ऑल अबाउट सोशल साइंस। थैंक यू।